मैं जा रहा हूँ कुछ ठंडा खाने, जैसे कि खरबूजा। उसमें तो काफी खर्चा होगा। क्या तुम्हें कोई ट्रीट देने वाला है? बस मेरा कमाल देखने जाओ दोस्तों। उसमें कई तरह की लाइट्स भी जल रही थी। तुमने सच में ही UFO देखा? तुमने कैसी बात करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें सुनने के बाद मुझे हमेशा कोई नई चीज दिलाते हैं। बस यही बात है। लगता है मुझे भी ये पैतराज माना चाहिए। जो सुनियो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तुमने सही कहा, ये बहुत गलत है। तुम भी ऐसा सोचते हो ना डोरेमोन? तुमने ये बात मुझे आज से पहले क्यों नहीं बताई नोबिता? चलो चलकर फोटो लेते हैं। सुनो डोरेमोन, तुम UFO की नकली फोटो मत लो। नकली फोटो? तुम्हारा मतलब क्या है? हम असली फोटो लेंगे। क्या तुम एलियंस को जानते हो? तो फिर मुझे ये बताओ वो कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता, पर शायद हम इस बात का पता लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है डोरेमोन? अरे छोड़ो ना, हम अपना UFO बनाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सब नकली होगा? बिल्कुल नकली नहीं होगा, हम उसे मार्स के लोगों से ही बनवाएंगे। सच में डोरेमोन, तुम्हें लगता है वो लोग हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल, करनी तो चाहिए। तो जल्दी बोलो ना। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये देखो, मार्स पर हवा और पानी बहुत कम है, लेकिन पोलर कैप के पास काई उगती है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बोलो नोबिता, अब मैं गैजेट निकालने वाला हूँ। हाँ, एवोल्यूशन डेवोल्यूशन रेगन। अगर हम एवोल्यूशन स्पीड लाइन को घुमा दें, तो एवोल्यूशन के 1 अरब साल 10 दिन के बराबर हो जाएंगे और काई मार्स पर उग जाएगी। हम एवोल्यूशन के बदलावों को मॉनिटर पर देखकर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से UFO बना सकते हैं। नोबिता, हम इसे इस रॉकेट से मार्स पर भेजेंगे। तक अपना मुंह खोल कर खड़े रहोगे? रॉकेट लाइट की स्पीड से जा रहा है, इसलिए वो जल्दी वहां पहुंच जाएगा। ये देखो, वो बस पहुंचने ही वाला है। वो लैंड करने वाला है। ये जगह तो रिवर्स थ्रस्ट। अरे वाह, सब कुछ ठीक से हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ जियान। ये कैसा दिखता है? हाँ, तुम देखना चाहते हो? ये तो कितना अजीब सा दिखता है। तुम्हें ये लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं? ये काई है। हाँ, देखो इसमें तो हलचल हो रही है। वो क्या है ना, दरअसल ये काई बढ़ रही है। इस वक्त ये बस सूरज और हवा के असर से बढ़ रही है नोबिता। ये तो कमाल का है। अब तू क्या करने वाली हो? सोच रहा हूँ रॉकेट के गर्म हवा से इसे सुखा दूँ। कैसा आइडिया है? वो खराब हो जाएगा। वो खराब तो हो जाएगा, लेकिन वो पानी ढूंढने निकल जाएगा और इससे पक्का एक नई नस्ल पैदा होगी। वो मार्स वाली काई की पूर्वज बनेगी। पता नहीं वो दोनों क्या कह रहे हैं। मुझे एक माइक्रोफोन लगा देना चाहिए था। नोबिता डोरेमोन, चलो जल्दी से सो जाओ। ओके। सुनो, बहुत रात हो गई है, चलो अब जाकर सो जाओ। ठीक है। एयर पोलर कौन है बताइए ना? बेटा, वो सब लोग धरती के लोग हैं। और वो मार्स पर हमला करेंगे, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था डैड।
चिंता मत करो, वो सब एक कहानी थी। इंसान तो बस धरती पर ही रहते हैं। एक दिन मैं भी स्पेस रॉकेट बनाऊंगा डैड, और उसमें बैठ के मैं धरती को देखने जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है वो दिन जल्दी ही आएगा बेटा। चलो अब तुम सो जाओ। मैं आ गया। यूएफओ की क्या खबर है? उसने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। हाँ, 10 साल तो हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चलो नीचे जाकर टीवी देखते हैं डोरेमोन, चलो ना। अच्छा आइडिया है, चलो चले, मजा आएगा। इंसानी इतिहास में कदमों के नए निशानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। गजब का यादगार पल। क्या कह रहे हैं? मुझे एक माइक्रोफोन लगा देना चाहिए था। नोबिता डोरेमोन, चलो जल्दी से सो जाओ। ओके। सुनो, बहुत रात हो गई है, चलो अब जाकर सो जाओ। ठीक है। डैड, वो लोग कौन है बताइए ना। बेटा, वो सब लोग धरती के लोग हैं। और वो मार्स पर हमला करेंगे, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था डैड। चिंता मत करो, वो सब एक कहानी थी। इंसान तो बस धरती पर ही रहते हैं। एक दिन मैं भी स्पेस रॉकेट बनाऊंगा डैड, और उसमें बैठ के मैं धरती को देखने जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है वो दिन जल्दी ही आएगा बेटा। चलो अब तुम सो जाओ। मैं आ गया। यूएफओ की क्या खबर है? उसने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। हाँ, 10 साल तो हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चलो नीचे जाकर टीवी देखते हैं डोरेमोन, चलो ना। अच्छा आइडिया है, चलो चले, मजा आएगा। इंसानी इतिहास में कदमों के नए निशानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। गजब का यादगार पल धीरे धीरे पास आ रहा है। ठीक है, बताता हूँ, कामयाब होकर लौटना। प्लीज लॉक कीजिए, पृथ्वी पर जाने की यह अद्भुत यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं, क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? क्या ये जो चाहते हैं वो ये कर पाएंगे? मैं धरती के पास पहुंच रहा हूं। मैं एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाला हूं। ये कितना बड़ा शहर है, यहाँ कितनी बड़ी इमारतें हैं, और साथ ही कितना शोर भी है। ये जगह तो बहुत अजीब है। कितना प्रदूषण है यहाँ पर। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लड़ाई करना पसंद करते हैं। मैं तो एक दिन भी ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, और ना ही मेरे घर वाले। हम लोग जैसे भी हैं, इन लोगों से बहुत बेहतर हैं। जरा देखो तो, कितने सारे यूएफओस हैं। अरे वाह, चलो फोटो लेते हैं। अरे वो देखो जरा, कहाँ गए वो? वो नहीं आए। सब कुछ तहस नहस हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो
मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे डोरेमोन। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है।